हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, एकदम टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ में। गाजर के हलवे का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लगता है और इसे बनाना भी उतना ही आसान होता है। चलिए बनाते हैं सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में परफेक्ट गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ गाजर। मैंने यहाँ पर करीबन 1 किलो गाजर का यूज़ किया था और अब हम इन्हें अच्छे से छील लेंगे। गाजर का हलवा बनाते समय गाजर का जो छिलका होता है उसे साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ इस तरीके से आप सारी गाजर को छील लीजिए, जैसे मैंने छील लिया था। जब ये सारी गाजर अच्छे से क्लीन हो जाए, इसके बाद लेंगे यहाँ पर एक प्लेट और फिर इसे हम कद्दूकस करेंगे। आपके पास इस तरीके का अगर बर्तन हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप जिस पे हम अदरक को पीसते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम गाजर को मोटे वाले हिस्से से अगर कद्दूकस करते हैं तो वो बहुत ही सही बनता है और परफेक्ट हलवा बनता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो मोटा साइड होता है उससे अच्छे मोटे साइड से ही हमें मोटे मोटे लच्छे निकालना है। कुछ इस तरीके से देखिए, सारी गाजर को मैंने कीस लिया है। उसके बाद लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम घी। गाजर का हलवा बनाने में ज़्यादा घी का यूज़ होता है, तो मैंने आपको यहाँ कम से कम घी का यूज़ करते हुए गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है कुछ 4 से 5 चम्मच घी, जिसको हम अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे हम उसमें जो सारी गाजर रखी थी कद्दूकस करके। उसको सारी गाजर को इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद में जो घी है उसके साथ में हमें गाजर है उसको अच्छे से पका लेना है। कुछ इस तरीके से अब हम गाजर को भुनना चालू करते हैं। देखिए, जैसे जैसे जो गाजर है उसमें घी मिक्स होते जा रहा है, वैसे वैसे गाजर का कलर चेंज हो रहा है। तो हमें इसी तरीके से जब तक गाजर का कलर एकदम डार्क ना हो जाए या फिर गाजर का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए, मैं करीबन 5 मिनट से इसे भून रही थी। हमें इतना भूनकर तैयार करना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें हमें घी और ऐड करना चाहिए, तो आप बीच में 2 से 3 टेबल स्पून घी फिर से ऐड कर सकती है, क्योंकि जब गाजर है वो चिपकने लग जाती है। तो अगर वो ज़्यादा चिपके तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून का घी और डाल सकते हैं। देखिए, भूनने के बाद भूनते भूनते जो गाजर है उसकी क्वांटिटी एकदम आधी हो गई है। तो आपको इस तरीके से गाजर को अच्छे से भूनना है। अगर आप इस तरीके से गाजर को अच्छा भूनेंगे तो जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है इलायची पाउडर। इलायची को कूटकर डाला है, क्योंकि इलायची को अगर हम कूटकर डालते तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे दूध। आपके पास अगर कम दूध हो तो आप इसमें कम भी डाल सकते हो, या तो अगर आपके पास ज़्यादा दूध अवेलेबल हो तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध का यूज़ कीजिए। हमें दूध उतना डालना है कि जो गाजर है वो सारी दूध से ढक न जाए। हमें इतने दूध का यूज़ करना है और हमें इसे बहुत ही अच्छे से दूध में पकाना है। साथ ही साथ मैं यहीं पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे रही हूँ। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप डाल दे, या तो फिर आप ना चाहो तो बिल्कुल भी ना डालें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, जब तक कि जो गाजर में जो दूध डाला है वो सारा सूख न जाए। बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये चिपक जाए। जो दूध था वो काफ़ी हद तक गाजर में सूख गया है और गाजर भी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब हमें इस स्टेज पर इसमें चीनी ऐड करनी है। तो अगर आप मीठा खाते हो तो ज़्यादा चीनी का यूज़ करें, अगर आप कम खाते हो तो कम चीनी का यूज़ करें। तो यहाँ पर चीनी डाल देंगे और चीनी को गाजर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी को डालते ही गाजर में फिर से एक बार पानी आ जाएगा, क्योंकि जो शक्कर है वो मेल्ट होगी तो वो पानी छोड़ेगी। तो इसे भी हमें चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट बाद सारा पानी गायब हो जाएगा और जो मिठास है वो गाजर में आ जाएगी। देखिए, कुछ इस तरीके से जो सारा पानी है वो अच्छे से सूख गया है।
बस हमें इसे थोड़ा सा और सुखाना है, तो हम इसे एक मिनट के लिए और चला लेंगे कुछ इस तरीके से, और गैस का फ्लेम बंद करके इसे एक मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद फिर इसे ओपन करके फिर से एक बार चला लेंगे। और देखिए बनके तैयार है हमारा टेस्टी सा गाजर का हलवा। आप भी इसी तरीके से बनाइए और खाइए। अब कर लेंगे हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र। तो देखिए ये कितना परफेक्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी बना है। ये जितना टेस्टी देखने में लग रहा था उससे ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लग रहा था। तो आप इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। और साथ ही साथ में मैं इसे यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ में सजा दूँगी कि जिससे ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो देखिए ये मैं इसे पास से दिखाती हूँ, ये कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम गरम गरम है। तो आप भी गाजर का हलवा इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।